के एहसास इतना अच्छा, इतना अपना सा क्यों लगता है? साड़ी क्यों बदल ली? जो तय हुआ था हो गया क्या? जो कुछ भी सोचा था हमने पूरा कर दिया है। आप बताइए, आपका काम हुआ? क्या बताएं, हम तो तृप्त हो गए उसकी ऐसी हालत देखकर। ऐसी दुर्दशा हो गई, सारी हेकड़ी हवाइयों की तरह उड़ गई उसकी। और वो जो सौदा आप करने वाली थी उसका क्या हुआ? अरे 50-50 कछु बोल रही थी ना आप। अरे मजाल है जो मना करे। 50% प्रॉपर्टी तो देगी, साथ ही जिंदगी भर हमारी दासी बनकर रहेगी। हाँ, जो हम कहेंगे वही करेगी। जैसे कि अभी हमारे लिए गर्म दूध लेने गई। अब तो हमारा सारा ध्यान इसी में लगा रहेगा कि हम उससे क्या क्या सेवा कर पाए। देखना, महीने दो महीने में ऐसी दुर्दशा कर देंगे ना हम उसकी कि सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम करके इस हवेली से ही भाग जाएगी। ठाकुराइन देवी, जे हमने बड़ी मेहनत से आपकी मदद की है तो कछु हमारी झोली में भी डालना चाहिए ना आपको। तुमने मदद की नहीं है नगनिया, तुम्हें करनी पड़ेगी। वो तो हमने तुम्हारी बातें सुन ली, लेकिन तुम कहाँ बताने वाली थी? हाँ ठीक है कि हम नहीं बताने वाले थे ठाकुराइन देवी, लेकिन हम बदला जरूर लेते सुमन जी से। हमने देखा है उन्होंने बहुत तंग किया है आप लोगों को। पकड़ी गई तो बड़ी समाज सेविका बनती है, फूटी कौड़ी नहीं देंगे इसे। पहले भूत का डर दिखाकर सुमन को भाग करेंगे, फिर पुलिस का डर दिखाकर इस नगनिया को आउट करेंगे, फिर इस हवेली पर सिर्फ हमारा राज रहेगा। लगता है बिल्ली अकेले अकेले ही पूरा दूध मलाई चट करना चाहती है। अरे हाँ, दूध से याद आया, हमारी दासी हमारे लिए दूध लाती होगी। हम चलते अपनी दासी से सेवा करवाने। हाँ जाइए जाइए। दोनों ने मिलकर अच्छा बेवकूफ बनाया हमें ना, पर अब हम कैसे बाजी पलटते हैं ये सारा परिवार देखेगा। भगवान का शुक्र है आपको होश आ गया। आपके पति को आपकी बहुत चिंता हो रही थी। एक कोठे वाली को इन्होंने एक पत्नी का दर्जा दे दिया। ये लीजिए दवाई खा लीजिए। अरे आप यहाँ पर हैं, हम आपको बाहर ढूंढ रहे थे। ये दवा हाँ। देखा आपके पति को आपकी कितनी चिंता हो रही थी। ये लीजिए दवा खा लीजिए। हम लोगों को खिड़की से जाना पड़ेगा। होटल धीरे 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 धीरे
चुलबुली। सॉरी रेवा, सॉरी, हमने जानबूझ के नहीं गिराया, हम तो तुम्हें उठा रहे थे तो गलती से गिर गया। आपके मुंह पर ये दूध फेंककर हम भी सॉरी कह दे तो जरा सोचो रेवा कि हम तुम्हारी सारी की सारी बातें मानना मना कर दे, तुम्हारे ये नखरे उठाने से भी मना कर दे, और साथ साथ प्रॉपर्टी का 50% तो छोड़ो, एक फुटी कौड़ी भी ना दे तो हमें कोई ताज्जुब नहीं होगा। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें, आपके और आपके उस वफादार की जो रिकॉर्डिंग हमने की है उससे आपको कई सालों की जेल तो विद गारंटी पक्की है। अरे तुमने तो हमारी बातों को सीरियसली ले लिया, हम तो मजाक कर रहे थे रेवा। लो दूध पियो ना, दूध गरम है। क्या हुआ? ये दूध कड़वा क्यों है? दानी कड़वा कैसे हो गया? हमने तो फ्रिज से निकाल के लाए हैं। फ्रेश दूध नहीं ला सकती थी आप? वही तो रखा है बाहर। हमें ना नजर ही नहीं आया तो तुम एक काम क्यों नहीं करती, तुम हमारे साथ नीचे चलो और हमें बता भी देना कि दूध कहाँ रखा है, और वो जो प्रॉपर्टी के पेपर्स तुम्हें देने हैं ना वो अभी ले लो हमसे। लगता है भूत का डर इस पर कुछ ज्यादा ही हावी हो गया। अब चलो ना रे, बस चलो, सोच कर रही हो। चलो 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 चलो, भगाओ, अब तुम हमारे आसपास भी नहीं आ सकते, जल्दी भगाओ भगाओ। अरे चुप बैठो ना, दो मिनट शांति बैठ सकती? ऐसे हल्ला मचा रही हो जैसे अपने कमरे में हो। जीप है, आराम से बैठो। अरे अपने कमरे में बैठे होते तो चुप ही होना पड़ता ना, वहाँ तो उछल कूद नहीं कर सकते, कुछ टूटने का डर होता है। ये तो दिवाकर की जीप है, टूट भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है। वही कह रहे हैं, अगर दोबारा दिवाकर के हत्या चढ़ गई तो क्या करोगी? अरे हम क्या करेंगे, तुम बस पलट के एक बार उसकी तरफ घूर देना, अपने आप भाग जाएगा। अच्छा हाँ, और नहीं तो क्या। अरे पूरा भरोसा है हमें तुम पर, अब हो अजनबी लेकिन अपनों से भी ज्यादा अपने लगते हो हमें। हमने खून खराबा पसंद नहीं है हमको, है हमसे मार खाने की लत लग गई क्या? चलो 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 चलो, निकलो यहां से, चलो।
ये यहाँ क्या कर रहे हैं सबके साथ? जाहिर सी बात है कि ये सब लोग यहाँ दूध पीने के लिए तो इकट्ठे नहीं हुए हैं। हमने इन सब लोगों को यहाँ बुलाया है क्योंकि हमें इन सबके सामने हमारा गुनाह कबूल करना है। माफ कीजिए, हमने आप सब लोगों को इतनी रात को जगाकर यहाँ बुलाया। लेकिन हम क्या करें, हमें आप सब लोगों को एक सच्चाई बतानी है और वो सच्चाई ये है कि हमसे नगनिया का खून हो गया है। ये औरत पागल हो गई है। और हमने हमारे गुनाह को छुपाने के लिए हुकुम की मदद ली थी और नगनिया को यहीं हमारे घर के बाहर के गार्डन में दफना दिया। पर क्या करें, ये सब करते हुए रीवा ने हमें देख लिया और हमारा वीडियो बना लिया और अब उसी वीडियो के दम पर ये हमें ब्लैकमेल कर रही है। अब आप लोग ही बताइए, क्या हमें हमारी प्रॉपर्टी का 50% हिस्सा इस रीवा को दे देना चाहिए? झूठ बोल रही है ये। यानी इसने नगनिया का खून नहीं किया? नगनिया को इन्होंने ही मारा है, पर ये ब्लैकमेल वाली बात झूठी है। हम तो पुलिस स्टेशन जाने वाले थे रबड़ लिखवाने के लिए, पर इन्होंने हमें रोककर प्रॉपर्टी का लालच देना चाहा। बहुत अच्छे रीवा, क्या प्लान बनाया तुमने? हाँ, लगभग लगभग तुम तो तुम्हारे प्लान में कामयाब हो ही चुकी थी। पर क्या करे रीवा, एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई। एक मिनट रुकोगी? जरा हम तुम्हारी प्रॉब्लम को यहाँ बुलाते हैं। प्रॉब्लम जी, आ जाइए। नगनिया मर्डर केस में तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये नगनिया खुद है। जो हमें इस हवेली में भूत बनके डराया करती थी। कितना डराया ना। क्यों नगनिया, बिना मरे ही भूत बन गई तुम? क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। माफ कर दीजिए ठकुराइन देवी, आपके जाने के बाद ना इन्होंने हमें बगीचे में पकड़ लिया था। आप सबने देखा कि इन दोनों ने कैसे मिलके हमारे खिलाफ साजिश की। तो सजा भी तो इन दोनों को आप सभी के सामने मिलनी चाहिए ना। हाँ, तो इन दोनों की सजा ये है कि इस आदरणीय हवेली से इन दोनों महारानियों का नाता हमेशा हमेशा के लिए खत्म।
इन दोनों का नाता बाहर की आवारा सड़कों से जुड़ने वाला है। तो आज अभी इसी वक्त हम तुम दोनों को इस हवेली से बाहर करते हैं। काफी अरे ठकुराइन देवी बहुत भूत बनना है तुम्हें। चलो 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 यहाँ से ठकुराइन देवी। चलो तुम क्यों खड़ी हो, चलो जाओ। ठकुराइन देवी ठकुराइन देवी चलो। तुम ठीक नहीं कर रही हो सुमन, बहुत पछताओ। बहुत ठीक कर रहा हूँ। आइंदा इस हवेली में आने की कोशिश भी की ना तो हमने वो जो कब्र खुदवाई थी ना इसके लिए वही गाड़ देंगे तुम्हें। निकलो निकलो तुम। चलो वो दोनों यही होने चाहिए। मैंने इसी तरफ उन्हें आते हुए देखा है। चारों तरफ फैल जाओ, जगह का चप्पा चप्पा छान मारो। तुम लोग उधर जाओ, चलो तुम मेरे साथ। तुम लोग उधर जाओ, तुम लोग उधर, तुम आओ। Happy!